थंबनेल देख के आप सब लोग समझ ही गए होंगे कि दीदी ने एक और नया डाइट प्लान डाल दिया है और आई एम श्योर आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे डाइट प्लान देखकर। मुझे पता है डाइट प्लान्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं और आप लोग बहुत खुश भी हो जाते हो डाइट प्लान देख के, है ना। बड़े लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, अरे डाइट प्लान आ गया, वाह वाह वाह, समर का डाइट प्लान आ गया, वेट गेन डाइट प्लान आ गया, वाह वाह वाह। आई नो आप सब लोग बहुत खुश हो जाते हो। जब मैं डाइट प्लान डालती हूँ ना, मैं भी काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्साइटेड रहती हूँ कि आज तो डाइट प्लान गया है, सब लोगों को बड़ा अच्छा फील होएगा, सब लोग खुश होने वाले हैं, राइट। देखो डाइट प्लान डालने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों को खुश करना, डाइट प्लान डालने का ये भी मकसद है कि उस डाइट प्लान को आप लोग फॉलो करो। डाइट प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइट को फॉलो करना वज़न बढ़ाने के लिए, तो सिर्फ देखा मत करो, उसे बनाया भी करो। जब भी कोई मील बनाते हो ना, तो उसकी फोटोग्राफ मेरी इंस्टा पे डालो, तो मैं श्योर हो जाऊँगा कि हाँ आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी और उस मील को बनाया और उसको आपने खाया भी है। तो जब भी मील बनाया करो ना, तो फोटोग्राफ शेयर किया करो मुझसे इंस्टा आईडी पे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। आप सब लोग जितना ज़्यादा मेरे साथ फोटोग्राफ शेयर करोगे ना, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं वीडियोस बना रही हूँ वो सब काम आ रही हैं, सब लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हो। क्योंकि मेरा जो कनेक्शन है वो आप लोगों के साथ बिल्कुल ही डायरेक्टली है। मेरी वीडियो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होती है, सिंपल होती है, इजी होती है। आप लोगों को बस सीधे तरीके से मुझे गाइड करना होता है, मुझे किसी घुमा फिरा के मैं आप लोगों को नहीं कहीं फंसाना चाहती हूँ। चाहे आप कहीं भी रहते हो, मैं चाहती हूँ सिंपली एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ अपना वजन बढ़ाओ आप। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये पर्पज़ है। आप इस तरह का डाइट प्लान मैं देना चाहती हूँ जिसे आप लॉन्ग टर्म चला सको। ये नहीं कि आप बस एक टाइम पीरियड तक इस डाइट प्लान को फॉलो कर सको, आप इसे लॉन्ग टर्म तक इस डाइट प्लान को ले सकते हो। तो मैं ऐसा डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ हमेशा। तो चलो पहले डाइट प्लान देखते हैं कि कैसा है। सुबह उठ के सबसे पहले लेना है हमें एक बढ़िया सा शेक। आप बनाना का भी ले सकते हैं, मैंने आज बनाया है चीकू का। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्हें सबको डाला जार में। दो लिए हैं चीकू और साथ में मैंने लिया है आधा ग्लास दूध। उसके बाद उसको अच्छे से ग्राइंड करके मिक्सी में बना के एक बेहतरीन सा बहुत ही यमी और टेस्टी शेक रेडी हो जाएगा। शेक पीने के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप 45 मिनट्स यानी कि 1 आवर तक आप एक्सरसाइज आराम से कर सकते हो। और ये आपको शेक पीना है एक्सरसाइज से कम आधा या पौना घंटा पहले। जैसे कि मैं 7:30 बजे ये शेक पी लेती हूँ, क्योंकि 8 बजे से 9 बजे तक मैं 1 घंटा अपना वर्कआउट और एक्सरसाइज करती हूँ। और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा यम होता है कि आपको ऊपर से कोई शुगर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यह आपको अच्छी कैलोरीज देगा, प्रोटीन देगा, फाइबर देगा, फैट देगा, आपको पूरी तरीके से ये शरीर में आपके बॉडी में अच्छे से काम करेगा। देखो एक्सरसाइज करने के बाद मुझे जो मेरा फेवरेट मील होता है ना पूरे दिन का, वो होता है मेरा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट मुझे बहुत टेस्टी भी चाहिए, हेल्दी भी चाहिए, प्रोटीन से भरा हुआ भी चाहिए। तो मैंने आज बनाए हैं बेसन के चीले। तो सिंपल है, बेसन अपना घोलना है, उसमें सारे मसाले डालने हैं, धनिया डालना है, हरी मिर्च डालना है और अपना बैटर रेडी कर लेना है और तवे पर डाल के टेस्टी टेस्टी अपने बेसन बनाने हैं। साथ में आपको सब्जियां या सलाद जो भी आपके घर में रखा है, जैसे टमाटर, प्याज, खीरा, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, सब कुछ डाल लो और साथ में डालो थोड़ा सा पनीर। फिर देखना आप इसका इतना ज़्यादा टेस्टी टेस्टी बनता है ना, ये बहुत ही टेस्टी है। मतलब मैं अभी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और जब मेरा एक ये बेसन का चीला में का मैं वीडियो देख लूँ तो मेरे मुंह में अभी भी पानी आ जाता है। और मज़े की बात यह है कि आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप किसी भी मील में बना सकते हो। देखो अगर हॉस्टल में रहते हो ना, इसलिए बहुत ही फास्ट तरीका है। आपको सिर्फ एक तवे की ज़रूरत है, ना ही किसी कुकर की ज़रूरत है, ना ही किसी और कढ़ाई की ज़रूरत है। आपको बस एक तवा होना चाहिए आपके पास और आप अपनी कैलोरीज पूरी कर सकते हो, चाहे आप हॉस्टल में हो, पीजी में हो, कहीं पर भी हो। सिर्फ सोच बदलने की देर है, ज़िंदगी तो ऐसे ही बदल जाती है। आप बस अपनी सोच को बदलो कि मैं ये कर सकती हूँ। तो मेरे दो टेस्टी टेस्टी हेल्दी बेसन का चीलाज रेडी हो गए हैं। अब मेरे को तो बस भूख लग रही है बहुत तेज़, और मैं सफ़र सफ़र इनको देख के ही मुझे भूख लग गई, मन कर रहा है मैं फिर से खा लूँ इनको बैठकर। लेकिन अगर आप भी बनाओगे ना तो आपका भी मन ऐसे ही करेगा। उनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार था। अब देखो हमें एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम कुछ भी खाएं ना तो उसको खूब अच्छे से चबा चबा के खाएं। खूब अच्छे से टाइम लो, चबा चबा के खाओ।
चबाना इसीलिए ज़रूरी है जिससे जो आप खा रहे हो वो ठीक तरीके से आपकी बॉडी में लगे। अब मिड मील में गर्मियां हैं तो कुछ रिफ्रेशिंग सा हो जाए, तो मैंने बनाया है छाछ। भुना हुआ जीरा था ये इस जार के अंदर, और ऊपर से डाला काला नमक, और ऊपर से डाली मैंने दही, और उसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, और ये ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग छाछ रेडी हो जाएगा। ये प्रोबायोटिक तो है ही, हमारी गट हेल्थ को अच्छा तो करेगा ही, इस समर्स में आपको इतना ज़्यादा रिफ्रेश कर देगा कि आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी। समर्स के लिए ये बेस्ट मिड मील हो सकता है, आप मिड मील में भी इसे ले सकते हैं या आप इसे लंच के साथ भी ले सकते हैं, जो भी लंच आपने रेडी किया हुआ है अपना। लंच हमेशा आप ना हैवी रखो, रोटी दाल सब्जी सलाद पापड़ चटनी छाछ सब कुछ रखो, और जब धीरे धीरे तसल्ली से सब चीज़ों को मिक्स करके खाओगे ना, बिलीव मी आप सब कुछ खा पाओगे। जिन लड़कियों की ये शिकायत रहती है ना कि हमें भूख नहीं लगती हम कैसे खाएं, लेकिन ट्रस्ट मी आप खा पाओगे। मेरा जो आज का लंच था वो था चिकपी, मैंने खाए थे छोले पापड़ रोटी करेले की सब्जी दही, और मैंने लिए थे साथ में राइस। देखो मेरी प्लेट आप देख रहे हो लंच की कितनी क्वांटिटी और कितनी वैरायटी है, सेम चीज़ आपको भी अपनी लंच की थाली में डालनी है। अब इवनिंग स्नैक्स तो थोड़ा सा चाहिए होता है, तो मैंने बनाया अपना कॉर्न चीज़ टोस्ट एंड इट्स सो ऑसम। इसका जो टेस्ट आता है ना वो बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसा आता है, इस पे से मैंने ऊपर से पिज़्ज़ा की ही सारी सीजनिंग वगैरह सब कुछ डाली हुई है। अब डिनर में मैंने बनाया है पनीर और सोया चंक्स। देखो अगर आपके पास पनीर हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन सोया चंक का जो पैकेट है ना वो आप लाकर घर पे रख सकते हो। सिंपल है, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालो और सोया चंक्स रेडी हो जाता है 10 से 15 मिनट में, और उसे निचोड़ के आप किसी भी ग्रेवी में डाल लो। रात को दूध पीना ज़रूरी है, जिससे जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है तो बॉडी की जो रिकवरी है वो हमें रात का गर्म दूध ही दे सकता है, तो दूध पीना बहुत ज़रूरी है। डाइट प्लान देख के आई एम श्योर आप लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि ये डाइट प्लान तो बहुत ईजी है, ये तो मैं भी फॉलो कर लूँगी। डेफिनेटली फॉलो करो, अपना वजन बढ़ाओ। जितनी भी ज़्यादा आप लेट करोगे ना तो उतने ज़्यादा डीमोटिवेट होते जाओगे। तो मेरी कोशिश है कि अगर आज सोच लिया है कि वेट गेन करना है तो बस लग जाओ, पूरी मेहनत के साथ पूरी कोशिश के साथ लग जाओ। देखो मैं अभी तक मैं 150 प्लस लड़कियों का वजन बढ़ा चुकी हूँ। मैंने जब अपना वेट गेन किया था तो मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कैसे वजन बढ़ाऊंगी, लेकिन पता है क्या हुआ, जब मैंने ठान लिया कि मुझे वजन बढ़ाना है ना, तो मुझे उस जर्नी के बारे में ना पता ही नहीं चला कब मेरा वजन बढ़ गया, कब मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया, मुझे पता ही नहीं चला। सेम वही चीज़ आप लोगों के साथ भी होगी, आप बस ठान लो कि मुझे वजन बढ़ाना है और बस उसी रास्ते पर चलते चले जाओ कि हाँ अब मुझे डाइट प्लान भी फॉलो करना है, वर्कआउट भी करना है, अपना ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वेट गेन की जो जर्नी है ना कब पूरी हो गई और कब आपका वजन बढ़ गया, बिलीव मी। लेकिन मेहनत थोड़ी सी फोकस करना पड़ेगा तभी आपका वजन बढ़ेगा। तो ये डाइट प्लान फॉलो करो, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।